सिटी वॉच में खबरों का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिफेंस एक्सपो 2020 का शुभारंभ किया। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उपस्थित रहे। वहीं डिफेंस एक्सपो में तीनों सेनाओं के प्रमुख भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिफेंस एक्सपो में अपने स्वागत संबोधन में कहा कि यूपी देश का सबसे महत्वपूर्ण राज्य तो है ही, आने वाले समय में यूपी डिफेंस उपकरणों का हब बनेगा। ये डिफेंस एक्सपो अब तक का सबसे बड़ा एक्सपो है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्रालय व योगी सरकार को भी एक्सपो आयोजित करने की बधाई दी और डिफेंस एक्सपो के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए योगी ने कहा कि ये डिफेंस एक्सपो देश को रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएगा। इससे करीब 2.5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। उन्होंने एक्सपो का आयोजन लखनऊ में करवाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आभार भी जताया। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं डिफेंस एक्सपो की शुरुआत जिस वक्त हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी वहां पर मौजूद रही उद्घाटन समारोह में। लोकसभा में पीएम मोदी के राम मंदिर ट्रस्ट के गठन का ऐलान करने के साथ ही योगी आदित्यनाथ कैबिनेट ने सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या के रौनाही में 5 एकड़ जमीन देने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। लोकभवन में उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में इस फैसले को हरी झंडी दिखाई गई। ये जमीन लखनऊ अयोध्या हाईवे पर अयोध्या से करीब 20 किलोमीटर पहले है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राम मंदिर बाबरी मस्जिद केस में जमीन दी जा रही है। बोर्ड जो चाहे करे, मस्जिद बनाए या फिर कुछ और, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ स्थल नाम का ट्रस्ट बनेगा जो राम मंदिर निर्माण से जुड़े निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगा। कैबिनेट का यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुपालन में हुआ है। बताते चलें कि पीएम मोदी ने लोकसभा में राम मंदिर ट्रस्ट के गठन का ऐलान किया है। राम मंदिर ट्रस्ट पर पीएम मोदी ने कहा है कि इस ट्रस्ट का नाम श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र होगा। ये ट्रस्ट भव्य एवं दिव्य मंदिर पर फैसला लेगा। राम मंदिर बनाने के लिए योजना तैयार है। राम मंदिर के लिए वृहद योजना है। ट्रस्ट को 67.03 एकड़ भूमि दी जाएगी। यहां सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर राम मंदिर का निर्माण होगा। राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट का ऐलान हो गया है। इस ऐलान के बाद सुन्नी वक्फ बोर्ड ने भी बाबरी मस्जिद निर्माण के लिए ट्रस्ट बनाने का फैसला किया। जानकारी के मुताबिक 2-3 दिन के भीतर ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन भी कराया जाएगा। ट्रस्ट का नाम इंडो इस्लामिक कल्चर ट्रस्ट होगा। इस ट्रस्ट में बाबरी मस्जिद मामले से जुड़े कई लोगों को सदस्य भी बनाया जाएगा। इंडो इस्लामिक कल्चर ट्रस्ट के जरिए 5 एकड़ जमीन पर अस्पताल, विद्यालय, इस्लामिक कल्चरल एक्टिविटी को बढ़ाने वाले इंस्टीट्यूट, लाइब्रेरी, पब्लिक यूटिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने और दूसरे तरीके की सामाजिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। वहीं इस ट्रस्ट में भारत और भारत के बाहर भी इस्लामिक कल्चर को बढ़ावा देने के क्रियाकलापों को किया जाएगा। इस ट्रस्ट के जरिए सुन्नी वक्फ बोर्ड भारत में दोनों समुदायों के बीच सामंजस्य बनाने के कार्यक्रम भी चलाएगा। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने इस ट्रस्ट की पूरी रूपरेखा तैयार कर ली है और इसकी बाकायदा रजिस्ट्री भी कराई जाएगी। आने वाले दिनों में सरकार की तरफ से 5 एकड़ जमीन मिलने के बाद काम शुरू किया जाएगा और आगामी 24 फरवरी को बैठक करके रूपरेखा तय की जाएगी। इतना ही नहीं, इस बैठक में पहले ट्रस्ट का गठन हो जाएगा। ट्रस्ट का मुखिया सुन्नी वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष होगा जो कि पदेन अध्यक्ष होगा। बता दें कि अभी सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष जुफर फारूकी हैं। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शन में हिंसा के मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपनी जांच का दायरा बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि पीएफआई के सदस्यों की गिरफ्तारी के बाद अब मददगारों पर शिकंजा कसने की तैयारी शुरू हो गई है। पीएफआई को फंडिंग करने वाले, शरण देने वाले और दूसरी तरह की कोई भी मदद करने वालों की तलाश की जा रही है। वहीं उत्तर प्रदेश पुलिस के मुताबिक पकड़े गए पीएफआई कार्यकर्ताओं के मोबाइल फोन से अहम सबूत मिले हैं। इसमें मददगारों की डिटेल भी है, जबकि मददगारों के बैंक खातों की जांच होगी और इसका पीएफआई के खातों से मिलान किया जाएगा। पुलिस को शुरुआती जांच में फंडिंग की डिटेल्स मिली है। ऐसे लोगों को भी पहचान की जा रही है जिन्होंने पीएफआई को फंड दिया था। इस मामले में यूपी एटीएस और प्रवर्तन निदेशालय पहले से ही जांच कर रहा है। पुख्ता सबूत मिलने के बाद ही मददगारों को भी गिरफ्तार किया जाएगा।
राम मंदिर ट्रस्ट की घोषणा होने के बाद से ही इस पर राजनीति शुरू हो गई है। एक तरफ जहां बीजेपी नेता इसे लेकर खुशी जाहिर कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। कई नेताओं ने इस ट्रस्ट की घोषणा के समय को लेकर सवाल उठाए हैं। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने राम मंदिर ट्रस्ट को लेकर भाजपा पर हमला बोला। ओवैसी ने कहा है कि बाबरी मस्जिद को तोड़ने की घटना को ना हम भूले हैं और ना ही हमारी पीढ़ियों को भूलने देंगे। उन्होंने कहा कि संसद का सत्र 11 फरवरी को समाप्त होगा, ये घोषणा 8 फरवरी के बाद भी हो सकती थी, हम भाजपा की सोच से चिंतित हैं। वहीं शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा है कि मैं महाराष्ट्र के सीएम की ओर से पीएम के राम मंदिर ट्रस्ट की घोषणा का स्वागत करता हूं, लेकिन आप सभी जानते हैं कि राम मंदिर निर्माण का निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया था और इसके निर्णय का सम्मान करना सरकार की जिम्मेदारी है। वहीं राम मंदिर ट्रस्ट की घोषणा होने के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पीएम मोदी का प्रभु श्री राम के जन्म स्थान पर एक भव्य निर्माण मंदिर निर्माण के लिए एक स्वायत्त ट्रस्ट का गठन करने के लिए कोटेश धन्यवाद। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पूरी तरह स्वतंत्र एवं मंदिर निर्माण से संबंधित सभी निर्णय लेने में सक्षम होगा। जय श्री राम। शाहजहांपुर के कलान तहसील के खजुरी गांव में 6 फरवरी को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत के आगमन को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। दरअसल आगामी 6 फरवरी को जनरल विपिन रावत अमर शहीद परमवीर चक्र विजेता नायक जदुनाथ सिंह के बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि देने के लिए शाहजहांपुर आ रहे हैं। वहीं उनके आगमन की सूचना पर गांव के SDM और CO ने दौरा किया और यहां व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बता दें कि जनरल रावत के आगमन से पहले गांव का कायाकल्प होना शुरू हो गया है। गलियों की साफ सफाई, सड़कों की मरम्मत, इंटरलॉकिंग आदि तेजी से कराए जा रहे हैं। जी, नायक जदुनाथ सिंह के जो बलिदान दिवस के 6 फरवरी को लोग आएंगे दिल्ली से, आर्मी कमांडर जी, इस वजह से बहुत बढ़िया चल रही है सफाई। इनका बलिदान दिवस मनाया जाएगा यहाँ। नायक जदुनाथ सिंह परमवीर चक्र विजेता, मैं इनका सगा भतीजा हूँ। वहीं लखीमपुर खीरी जिले के ब्लॉक फूलबहेड़ क्षेत्र के कक्करपिट्टा प्राथमिक विद्यालय का जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बुधप्रिय सिंह ने औचक निरीक्षण किया, जहां निरीक्षण के दौरान बच्चों की उपस्थिति रजिस्टर को खंगाला गया। वहीं विद्यालय में मौजूद बच्चों की संख्या रजिस्टर में लिखे नामों से कम मिली। इसके अलावा निरीक्षण के दौरान विद्यालय में काफी कमियां भी मिली, जिसको लेकर BSA ने नाराजगी जताते हुए जमकर फटकार भी लगाई है। जो MDM की क्वालिटी थी निश्चित रूप से थोड़ी सी खराब थी। हम लोगों ने प्रधानाध्यापक को निर्देशित किया है और आगे से हम लोग इसका उचित निरीक्षण करते भी रहेंगे कि बच्चों को हमारे मध्याह्न भोजन जो है वो गुणवत्तापूर्ण मिले। महोबा में डायरिया जैसी गंभीर बीमारी से उसने अपने पैर पसार लिए हैं। वहीं जिले के कबरई विकास खंड के पलका गांव में डायरिया की चपेट में आने से आधा सैकड़ों से ज्यादा लोग बीमार हो गए हैं, जिन्हें एम्बुलेंस से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साथ ही रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीमों को गांव में भेजा गया है, जो गांव में कैंप लगाकर ग्रामीणों का परीक्षण और इलाज में जुटी है। वहीं DM ने भी जिला चिकित्सालय और गांव पहुंचकर सभी बीमार लोगों से मुलाकात की है और उनका हालचाल जाना है। खराब हो गई है और लगभग 20-25 लोग हैं जिनको दस्त की शिकायत है। तो चूंकि 15-20 लोग या 25 लोगों की संख्या ज़्यादा होती है, इसलिए मैं यहाँ पे आया। यहाँ के लोग जो जिनको शिकायत की दस्त थी, उनको हॉस्पिटल महोबा में भेजा गया है और वहाँ मैं देख के आ रहा हूँ। जो डॉक्टरों ने बताया कि तब इन लोगों को दस्त की शिकायत है, कोई गंभीर स्थिति नहीं है, स्थिति एकदम नॉर्मल है, लेकिन फिर भी एहतियातन के तौर पे कि क्यों ये हुआ होगा, इसके 2-3 कारण हो सकते हैं। एक तो फूड पॉइजनिंग हो, लेकिन जो हिस्ट्री यहाँ पे है कि कोई ऐसी दावत नहीं हुई है जहाँ पे ये लोग खाना खाए हों तो फूड पॉइजनिंग की स्थिति बने, तो फूड पॉइजनिंग नहीं है, ये अस्पष्ट होता है। दूसरी संभावना ये होती है कि पानी हमारा प्रदूषित हो गया हो, तो उसके लिए यहाँ पे 3 नल का सैंपल लिया गया है
और उसका विश्लेषण करने पे वो स्थिति क्लियर होगी कि क्या पानी में कोई प्रदूषण की समस्या रही हो जिससे प्रदूषित पानी से ये चीज आई हुई हो, तो वो तभी कहा जा सकता है जब उसका कोई रिजल्ट देख निकल आए। तो अभी मेडिकल विभाग ने भी और जल निगम विभाग ने उसका सैंपल ले लिया है और उसका जब विश्लेषण करके स्थिति क्लियर होगी तो स्थिति क्लियर होगी। कुल 30-31 लोग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में गए हुए हैं, जिसमें से कुछ बच्चे हैं, कुछ पुरुष हैं और कुछ महिलाएं। फिरोजाबाद जिले के जसराना थाना क्षेत्र के अंतर्गत अवध चौक के पास बीती शाम दो बाइकों के आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। वहीं इस हादसे में दोनों बाइक सवार घायल हो गए हैं। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को इलाज के लिए शिकोहाबाद के जिला संयुक्त अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां दोनों को मृत भी घोषित कर दिया गया है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही परिजन जिला संयुक्त अस्पताल पहुंचे। फिलहाल पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की जांच पड़ताल भी चल रही है। ऐसा था, हम नल्ला चाट पेट्रोल पंप पर खड़े थे, तभी 112 का हमें कॉल मिलता है कि एक अवध चौक और नल्ला चाट के बीच में एक्सीडेंट हुआ है। हम त्वरित कार्रवाई करते हुए घटनास्थल पर पहुंचे और जैसे तैसे करके दोनों ही घायलों को जो गंभीर रूप से थे सीएससी सुखवार लाया गया है। हालत गंभीर है, डॉक्टर साहब अभी चेकअप कर रहे हैं। दो लोगों को लेके आई थी जो कि जसराना के पास अवध चौक के पास आपस में दो आमने सामने से बाइक टकराई हैं, जिनको लेकर के आई है। मैंने एग्जामिन जब किया वो दोनों ही डेड थे, उनमें कोई वाइटल साइंस नहीं थे, जिसकी वजह से पुलिस साथ में आई हुई थी, वो उन दोनों को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल फिरोजाबाद लेकर के गए हुए थे। वहीं मैनपुरी के करहल रोड पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां एक सवारियों से भरा टेम्पो अनियंत्रित होकर पलट गया। वहीं इस हादसे में 7 सवारियां घायल हो गईं। इस घटना की सूचना मिलते ही सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां एक की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे इलाज के लिए सैफई रेफर कर दिया गया है। दो घायल हैं जिनमें 4 भर्ती हैं और एक उनमें थोड़ा सीरियस है, जिनको हम सैफई रेफर कर रहे हैं। ऑटो पलटा है, एक लोग हैं जिनकी स्थिति थोड़ी सी गंभीर है, तो उनको सैफई रेफर कर रहे हैं। फर्स्ट एड सबको दे दिया गया है। और यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं, आप बने रहिए इंडिया वॉच के साथ।